हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के कंप्यूटर का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पार्ट टू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट वन में इस वीडियो के क्या पढ़े थे कि जो HTML के टैग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें मैंने केवल आपको यही वाला टैग बताया था ना, और ये जो टैग है बाकी टैग स्किप हो गए थे। तो इसमें हम इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं और जितना रिमेनिंग चैप्टर है मैं तब स्टार्ट करती हूँ। तो हमने पढ़ा था जो HTML टैग है वो हम क्या क्यों यूज करते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML टैग से ही शुरू होता है। और उसके बाद थे हेड टैग। हेड टैग इज द HTML डॉक्यूमेंट हेडर। जो हेड टैग है, ठीक है, उसी से जो हेडिंग होगी, ठीक है, तो वो बताएगा वो। इट लाइज जस्ट बिलो द HTML। इसको आपको किसके बाद लिखना होगा? HTML के बाद। इट हैज इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वेब पेज। इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। किसके बारे में बताती है इंफॉर्मेशन? वेब पेज के बारे में। बट विच इज नॉट सीन इन द ब्राउजर विंडो, जो हमें ब्राउजर विंडो में नहीं दिखती है। द हेड टैग कंटेन्स नो टेक्स्ट विद इन इटसेल्फ, और हेड टैग में कोई टेक्स्ट नहीं लिखते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइटल टैग, द टाइटल टैग इज टू बी यूज विद इन द हेड टैग। जो टाइटल टैग है उसको हेड टैग के साथ यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि आप हेड टैग के बाद किसका यूज करोगे? टाइटल टैग का। और इसमें क्या होगा? जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसका नाम होगा। टाइटल का मतलब नेम ही तो होता है। द टाइटल इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार, ये टाइटल बार में दिखेगा आपको एट द टॉप ऑफ ए ब्राउजर, ब्राउजर के टॉप में, जो भी आप विंडो खोलोगे उसमें, उसके अंदर नहीं दिखाई देगा, टॉप पे दिखाई देगा। द बॉडी टैग, जो बॉडी टैग है उसमें क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट का कंटेंट होगा। बॉडी का मतलब जो भी उसमें कंटेंट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो उस वेब पेज में, उस ब्राउजर की विंडो पे, जो उस वेब पेज पे दिखेगी आपको। इन द बॉडी टैग यू कैन यूज अ नंबर ऑफ द फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इमेजेस, हेडिंग लिस्ट एंड हाइपरटेक्स्ट लिंक्स टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। जो बॉडी टैग है आप उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इमेजेस, हेडिंग लिस्ट और हाइपरटेक्स्ट लिंक यूज कर सकते हो ताकि जो वेब पेज की अपीयरेंस है वो और अच्छी दिखे। देयर आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स की दो बेसिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्या है वो? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है, और टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज एलिमेंट्स टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल। ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या लेते हैं? पूरी विड्थ लेते हैं जितनी अवेलेबल हो सके। एंड बाय डिफॉल्ट बिगिन ऑन अ न्यू लाइन, और हो सकते हैं वो दूसरे लाइन से शुरू। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड टैग्स, जिसमें कि पैराग्राफ है। पैराग्राफ को आप जब लिखते हो तो बहुत ज्यादा लाइंस का होता है वो, तो उसको कैसे डिनोट करोगे? पी से। और हेडिंग को, जैसे कि हमने कल वीडियो में जो मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था, तो मैंने ऐसे तो डाली थी ना उसमें हेडिंग। टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स, और टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स कैसे होंगे? दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मार्क अप द बिट्स ऑफ द टेक्स्ट, दे डू नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ओनली टेक अप अ मच विड्थ एज नेसेसरी। ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और वो उतनी जगह घेरेंगे जितने की वहां पे जगह होगी, पर ये जरूरी नहीं है कि इतनी जगह घेरेंगे, ये जिसके हिसाब से उनकी विड्थ होगी वो उतना ही लेंगे। दीज इंक्लूड टैग्स लाइक बोल्ड, जैसे कि बोल्ड, ठीक है, आप लेटर कैसे लिखते हो? बोल्ड में लिखते हो, इटैलिक में, आइटैलिक में लिखते हो, कैसे कैसे करके, इनको बोलेंगे टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स, जो टेक्स्ट से इंक्लूड करेगा आपको। जैसे कि बोल्ड और इटैलिक आप जब टेक्स्ट टाइप करते हो तभी तो यूज करते हो ना, आपके फॉन्ट साइज, फॉन्ट क्या है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जैसे कि पैराग्राफ, कुछ किसी पैराग्राफ को लिखना, आप सबसे पहले उसको स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ लिखने से पहले पी, ये HTML टैग डालोगे वहां पे, तब स्टार्ट करोगे लिखना, ठीक है, वो आपके वेब पेज में वैसे ही अकॉर्डिंग शो होगा। तो स्टूडेंट, जो ये HTML चैप्टर है आपके पास, ये एक लैंग्वेज का ही पूरा क्या है, लैंग्वेज पे बेस्ड है। आपको बेसिक अगर पता होंगे तो आप क्या कर सकते हो? प्रोग्राम बना सकते हो स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप बेसिक अच्छे से समझ गए। और बेसिक समझने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। और हमने जो बेसिक पढ़े थे, हेड, बॉडी, टैग वगैरह, जो ये टैग है ये यूज करने आने चाहिए। और ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML टैग लिखेंगे। जब HTML ही नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये पेज वहां लिंक करेगा इसको? तो इसलिए टैग हमें ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं बाकी टैग के बारे में। कल हमने कुछ टैग पढ़ लिए थे और रह गए थे कुछ, तो इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। द पी टैग इज आल्सो कॉल्ड पैराग्राफ टैग। जो पी टैग है उसको क्या बोलते हैं? पैराग्राफ टैग। आप देखते हो पैराग्राफ बड़ा भी होता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पैराग्राफ है उसमें क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट होता है वो बहुत लंबा होता है ना, वेब ब्राउजर में अगर इसको दिखाना तो लंबा होगा, जिसको बोलेंगे पैराग्राफ। द एलिमेंट पी मार्क्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ को लिखोगे उससे पहले क्या टैग डालोगे स्टूडेंट्स? पी टैग को डालोगे, ठीक है।
मार्क्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ. इससे पता चल जाएगा कि जो आप लिख रहे हो वो क्या है, एक पैराग्राफ है. ठीक है, टू मार्क द एंड ऑफ ए पैराग्राफ द स्लैश यानी कि टैग लगा दिया ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का जो साइन है इसके अंदर पी. और मैंने कल भी बताया था आपको, अगर आपको किसी भी टैग को बंद करना है, ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी प्रोग्राम को बना रहे हो आपने टैग डाल दिया और उसको क्लोज करना भूल गए, आपको क्लोज भी करना है वो. अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. हमने क्या कर दिया क्लोज करने के लिए प्रोग्राम, हमने ये यूज कर दिया. मैंने कहा था आपको हमने स्लैश लगा देना है उसके साथ. ठीक है, जैसे पैराग्राफ का क्या पी से, तो हमने स्लैश लगा दिया और स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन का बाहर से साइन. एलिमेंट इज यूज व्हेन यू स्टार्ट अनदर प्रोग्राम द वेब ब्राउजर विल लीव वन लाइन बिटवीन द टू पैराग्राफ्स. और अगर आपको दूसरा पैराग्राफ करना है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिख दिया उसको दूसरा, अब दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया स्टैक को, आप पैराग्राफ लिख दिया, आपने कुछ भी टाइप कर दिया. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ वन हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गया. इसका मतलब हुआ कि जो आपका ये जो पैराग्राफ है ये आपने इस वाले टैग के साथ इसको क्लोज कर दिया है, और जो दूसरा टैग है वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा फिर. ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ टू आ जाएगा, फिर आपने इसको भी बंद कर दिया है. फिर आपने तीसरा पैराग्राफ लिखा, आपने इसको ओपन कर लिखने से पहले टैग डाला एचटीएमएल टैग पैराग्राफ वाला, उसके बाद उसका नाम डाला पैराग्राफ थ्री. ठीक है, कुछ भी टाइप करना है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तब यूज करोगे. और इसको क्लोज कर दिया, तो क्लोज करना मत भूलना किसी भी टैग को, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. तो हमने पढ़ा किसके बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में. अब हम पढ़ेंगे बीआर टैग. बीआर टैग क्या होते हैं, दिस टैग स्प्लिट्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट ऑन ए न्यू लाइन. ये बीआर टैग आप कहीं पे भी अगर यूज करोगे तो वो लाइन को तोड़ देगा, स्प्लिट यानी कि अलग अलग में तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा. ठीक है, और एक दूसरी लाइन पे आपका टेक्स्ट दिखेगा. जैसे आप पहली लाइन लिखोगे दूसरी लिखोगे, अगर बी आर को डाल दोगे बीच में, बी आर टैग को, तो अपने आप दूसरे उसको तोड़ देगा और दूसरे लाइन में ला जाएगा उसको. ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ब्रेक एलिमेंट. इसलिए इसको लाइन ब्रेक एलिमेंट बोलते हैं बच्चों. अगर आपके एग्जाम में आए कि लाइन ब्रेक एलिमेंट किसको कहते हैं, तो बी आर टैग को कहते हैं. इट इज लाइक एन एंटर की, जैसे कि आप कंप्यूटर में जो आपके कीबोर्ड यूज होता है, ठीक है, कीबोर्ड में एंटर नाम से तो की होती है ना, आपने देखी भी होगी. तो आप क्या करते हो, लाइन चेंज करने के लिए एंटर ही तो दबाते हो ना. और जो ये अगर बी आर टैग लगा दिया आपने, तो बी आर टैग में एंटर करने की प्रेस करने की जरूरत, एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, दैट टेक्स द कर्सर, वो खुद ही कर्सर को दूसरी लाइन में ले जा लेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन ऑन द स्क्रीन. तो यहीं से तो स्टार्ट होती है, जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हो, ठीक है, वो दूसरी लाइन लेफ्ट से ही तो स्टार्ट होगी. फिर यू कैन यूज द बी आर टैग एनी वेयर, आप बी आर टैग को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जहां पे आपको लाइन में ब्रेक देना है, लाइन को तोड़ना है, आप दूसरे से दूसरे लाइन से शुरू करना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट को या लाइन को या किसी भी लेटर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट में. इट इज एन एम्प्टी टैग एंड डज नॉट कंटेन एन ऑफ टैग. तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक एम्प्टी टैग है. ठीक है, ये ऑफ टैग कंटेन नहीं करता है, ये केवल ऑन टैग कंटेन करेगा. ऑफ हमने कल की वीडियो में ये तो पढ़ा था कि एम्प्टी टैग क्या हुए. ठीक है, तो ये जो है बीआर टैग वो एक टाइप का एम्प्टी टैग है और वो उसमें ऑफ टैग कंटेन नहीं करता हो. ठीक है, अब कैसे हम इस प्रोग्राम को समझते हैं, जैसे कि ये HTML आपने बनाया ये प्रोग्राम, उसके बाद आपने हेड किया. ठीक है, यानी कि जो उसकी हेडिंग आएगी ना, हेडिंग आएगी तो वो यहीं पे तो शो होती है, इसी को तो बोलते हैं हेड टैग. टाइटल आपने क्या डाला, लाइन ब्रेक एलिमेंट. ठीक है, टाइटल क्या हो गया, क्लोज कर दिया. फिर हेडिंग, फिर बॉडी आई. ठीक है, हेडिंग को बंद कर दिया ना, हेडिंग तो डाल दिया आपने टाइटल के अंदर जाके, इसको बंद कर दिया. फिर बॉडी टैग डाला, बॉडी टैग में आपको जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपने क्या किया, सबसे पहले जो इस सेंटेंस लिखा, जो भी आपने ये इंफॉर्मेशन लिखी है, तो उसके एंड में बी आर टैग लगा दिया. क्यों, यहाँ पे लाइन चेंज करनी है, आपको दिखेगा भी, अभी मैं आपको बताऊंगी भी कैसे वो डिस्प्ले हो रहा है. और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाली, फिर इसको भी बी आर टैग, फिर यहाँ पे भी. तो हमने क्या पढ़ा, जो बी आर टैग है वो क्या है, ओपन टैग है, इसमें ऑफ नहीं होगा, यानी कि हमने इसको बंद नहीं करना. ये एम्प्टी टैग है, इसको आप जरूरी नहीं है कि आप इसको बंद भी करो, जैसे क्लोज करने के लिए हम स्लैश यूज करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जो बी आर टैग है उसमें आप स्लैश लगाएं, इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बस आपने ये लगा दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, फोन नंबर टाइप कर दिया, और उसके बाद आपने ये बॉडी और HTML को क्लोज कर दिया. तो स्टूडेंट्स हम इसके बारे में अभी देखते हैं कि ये हमको कैसे डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि जो बी आर टैग है हमने वो कैसे बनाना है. ये है ना स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट पैड में, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप अपने जो लैपटॉप है उसमें यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा कि नोट पैड. ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा ये ऐप. ठीक है, और इस ऐप में ही आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाने हैं. फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था उस वीडियो में कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उनको सेव एज कैसे कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे कि टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फॉर्म में सेव नहीं कर रहे. अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में सेव करोगे तो टेक्स्ट में ही रह जाएगा. आपको क्या करना है,
HTML, डॉट एस टी एम एल एक्सटेंशन लगाना है, यहाँ पे दो डॉट हो गया है, ठीक है, हम एक डॉट को हटा देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेव डॉट एस टी एम एल से कर देना और यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इस पे क्लिक कर दोगे आपका प्रोग्राम ये देखिए सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको पहले नोटपैड में बनाना है, जैसे कि हमने सीखा, हमने को किसी भी लाइन को दूसरे, जैसे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको दूसरी लाइन से स्टार्ट कराना, तो उसके एंड में बीआर, बीआर का मतलब वो लाइन ब्रेक कर देगा, वो दूसरे वाले टेक्स्ट को शो कर देगा आपके वेब पेज में। तो कैसा दिखेगा वो वेब पेज स्टूडेंट्स, ऐसा है ना, ये आ रहा है ना दूसरे लाइन से ये, ठीक है। ये टाइटल हो गया आपका और ये बॉडी सेक्शन हो गया, यानी कि बॉडी टैग जो भी आपने लगाते हो, और टाइटल टैग ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कि हमने बी आर टैग कैसे यूज करना है, हमने बी आर टैग को कैसे यूज करना है स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे तक आगे पढ़ते हैं। अब बी आर टैग तो पढ़ दिया, अब है बी टैग। द टैग इज यूज व्हेन यू नीड टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट। इस टैग को तब यूज करते हैं जब आपने क्या करना है, किसी टेक्स्ट को दिखाना है। दिखाना का मतलब जैसी कोई इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम किसी को क्लियरली वो विजिबल कराना चाहते हैं तो हम उसको बोर्ड में लिख देते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर में, ताकि सब अट्रैक्ट हो जाए, उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ देखें, बोल्ड लेटर में लिखते ताकि दूर से भी दिखे। तो वैसे ही किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना, दिखाना चाहते हो, उस पे जोर डालना चाहते हो, उसको रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो कि हाँ भाई किसी की नजर इस टेक्स्ट में पड़े, तो उसमें क्या करोगे, बोल्ड यूज करोगे। और बी टैग ऐसे यूज करना, बी मतलब बोल्ड, ठीक है, जब लेटर बोल्ड लिखते हैं ना बड़े बड़े कैपिटल लेटर में, ताकि किसी को इंफॉर्मेशन दूर से भी दिखे, कोई दूर से भी साफ देख दे। और हमने इसको क्लोज करना है, इसके मैंने कहा आपको स्लैश यूज करके बी टैग, और इसमें स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन बार से, जैसे कि आपने किड्स पूल अ कंप्यूटर कोर्स, तो आपने क्या किया, इसको बोल्ड में दिखाना है, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे बी लगा दिया, बी टैग लगा दिया, इसको फिर इंफॉर्मेशन लिखी, फिर बी टैग से इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो बी टैग का मतलब बोल्ड टैग। तो आपको कुछ टैग ध्यान रखने, और आप ऐसे करके अपना प्रोग्राम रन करवा सकते हो स्टूडेंट्स, ये बेसिक आपको ध्यान रखने होंगे। और फिर उसके बाद आया आई टैग, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए रीडर टुवर्ड्स एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो पढ़ने हैं, पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें रहते हैं ना कुछ कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं, उनकी जो हेडलाइन रहती है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में रहती है, कुछ फिर उन्होंने अलग टाइप की स्टाइल में लिखे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो इटैलिक स्टाइल है, इटैलिक टैग है, वो यूज करते हैं, ठीक है, रीडर का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन पे गौर करें, पढ़े उसको। टाइप द इटैलिक टैग बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने से पहले इटैलिक टैग को यूज करते हो तो वो जो टेक्स्ट है आपका इटैलिक में वो दिखेगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इसको बंद भी करना पड़ेगा आपको, इसको यूज करके, जैसे कि आपने इस इंफॉर्मेशन को दिखाना, आपने यहाँ पे आई टैग यूज किया, आपके पास जो भी टैग दे रखे उनसे रिलेटेड एग्जांपल भी दे रखा है, और प्रोग्राम बना के आप इनको यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन लिखी और इसको बंद कर दिया, तो ऐसे करके हम आई टैग को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स नो मोर, अब हम थोड़ा और जानते हैं। ओपेरा पॉपुलर वेब ब्राउजर बाय ओपेरा सॉफ्टवेयर इज नोन फॉर इट्स फीचर। ओपेरा नाम का ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे करके आप ये ब्राउजर यूज करते हो, तो वैसे ही ओपेरा भी एक ब्राउजर है। लाइक डाउनलोड मैनेजर इन बिल्ट फिशिंग एंड मैलवेयर प्रोटेक्शन एटसेट्रा, ये क्या करता है, वायरस वगैरह से बचाता है। इट इज ऑल्सो द डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड ब्राउजर फॉर वेरियस मोबाइल, इसको हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास बुक में कॉर्नर में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है स्टूडेंट, ताकि आप और ज्यादा जानकारी जान पाए, टू नो द इंफॉर्मेशन इन मोर एक्यूरेट वे। लेट्स नो मोर, HTML इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, HTML5, ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है स्टूडेंट्स, ठीक है। यू कैन इजिली एड ऑडियो, यहाँ पे आप ऑडियो और वीडियो क्लिप को भी ऐड कर सकते हो वेब पेज पे, एज वेल एज कैन यूज द कैनवास फीचर टू ड्रॉ इमेजेस डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, और कैनवास फीचर को भी यूज कर सकते हो, काहे के लिए यूज कर सकते हो, जो इमेज है उनको बना सको उस वेब पेज पर, आपका वेब पेज और अच्छा क्रिएटिव लगेगा, डिस्प्ले में भी बहुत अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। तो HTML5 ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्रामिंग बनाई गई है, इसको मैं आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। तो आपने कैसे देखना है वो, ठीक है, आप कैसे बनाओगे वो, तो हम चलते हैं इसमें, हमने कैसे बनाना है ये इस टेक्स्ट को यूज करके, ठीक है। जैसे कि ये है HTML है टाइटल यूजिंग बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, और आपने क्या किया HTML को यूज किया, ठीक है, HTML को डाला टैग, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद टाइटल, टाइटल में आपने क्या करना है, जो भी टाइटल है वो क्या किसके बारे में बना रहे हो, यूजिंग बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन, इसको आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने बॉडी, ठीक है, बॉडी स्टार्ट कर दिया, और इसको आपने बी का मतलब
बी का मतलब बॉडी नहीं होगा, ये जो टैग दोगे किसके लिए दोगे, बोल्ड के लिए दोगे, उसके बाद ये किड्स पूल अ कंप्यूटर कोर्स है बोल्ड में दिखेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बंद कर दिया इस बोल्ड, जो भी आपने यूज किया ये जो बोल्ड लेटर में दिखना चाहिए इसको बंद कर दिया इस टैग को, और बी आर यूज कर दिया, क्यों, लाइन चेंज हो, ठीक है, बी आर से क्या होगा, लाइन चेंज होगी। और आइटेलिक्स में क्या दिखेगा, ये जो आप ये वाला टेक्स्ट डालोगे, फिर आइटेलिक्स को क्लोज कर दिया, फिर आपने क्या किया बी आर को यूज कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो लाइन चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने अंडरलाइन, अंडरलाइन होता है ना, जैसे हमने किसी वर्ल्ड को अंडरलाइन में शो करवाना होता है तो यहाँ पे अंडरलाइन टैग यूज कर दिया। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद आपने ये डाला, फिर उसके बाद क्या कर दिया, बॉडी और एचटीएमएल डाल दिया, ठीक है, बॉडी और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे देखेंगे, हम इस प्रोग्राम को कैसे देखेंगे, हमने सेव कर दिया डॉट एचटीएमएल करके, और ऐसे आपको प्रोग्राम दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमने बोल्ड में डाला था, जो इटैलिक में डाला था, तो आपको दिख रहे हैं ना वो, और एलिजिबिलिटी अंडरलाइन में शो हो गई है। तो ऐसे करके आपने प्रोग्राम बनाना है, और उससे पहले आपको टैग ध्यान रखने पड़ेंगे, बिना अगर आप टैग सही से यूज नहीं करेंगे ना तो वो डिस्प्ले नहीं होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हमने सीखा कि हम बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन को कैसे यूज कर सकते हैं। आप जो भी नोटपैड में बनाओगे, जो भी प्रोग्राम बनाओगे वेब पेज के लिए, उसको सेव करोगे डॉट एचटीएमएल में, और उसके बाद वो कहां जाके दिखेगा, जो भी आप ब्राउजर यूज करोगे, जब आप उस पे क्लिक करोगे, जैसे कि आपके स्क्रीन में ऐसे, ये ठीक है, ऐसे दिखेंगे, ये तो हमने प्रोग्राम बनाया, और ये क्या हो गया एचटीएमएल, यानी कि ये ऐसे ब्राउजर में दिखेगा, इसको ओपन करोगे। और कल मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आप यहां से भी ओपन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ओपन कैसे करोगे, कंट्रोल और ओ को करके। तो आ गई ना ये फाइल्स, मैंने यहाँ सेव किया, मैं इनमें से अगर कुछ भी ओपन करती हूँ, ये जो फाइल्स वगैरह, ये देखिए, तो मैंने ये कल की वीडियो में बताया था ना कि अगर आपको खोलनी है, नया पेज खोलना है, तो कंट्रोल ओपन करके जो भी आपने बनाया है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, वो यहाँ कैसे शो होगा, जो सेव किया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम इनको अच्छे ढंग से और बना सकते हैं, वेब पेज को और अच्छे तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं। द सब टैग, अब सब टैग क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, विच अपीयर्स बिलो द बेस लाइन एंड रेंडर्ड इन अ स्मॉल फॉन्ट, जैसे कि H2O, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना रिएक्शन, H2O O2, ठीक है। तो इनको जो आप लिखोगे, आपको हो सकता है कोई टेक्स्ट ऐसा तैयार करना पड़े जिसमें आपको ऐसा लिखना पड़े, तो इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये जो 2 है ये नीचे दिखना चाहिए, जो आप बनाओगे पेज उसमें ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए कौन सा, जब आप ये टैग यूज करोगे तो जो भी आप लिखोगे उसको वो ऐसा शो हो जाएगा, कैसे होगा हम पढ़ते हैं इसको, और इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है, पैराग्राफ हो गया, उसमें आप लिख रहे हो H2O लिखना पड़ा कहीं पे, तो आपने H का यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपने ये टैग, यानी कि ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट आएगा ना H2O में, तो H के बाद आपने इसको सबको यूज कर देना है इस टैग को, उसके बाद 2 आया, उसके बाद इस सबको जो आपने ओपन किया था इसको क्लोज भी करना है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद O उसके बाद आ गया, ठीक है। तो सब सिंपल सा है स्टूडेंट्स, आपने एच के नीचे ही तो है ना 2, तो उसके बीच में सब्जेक्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट डाल देना, ये वाला टैग डाल देना, फिर उसके बाद 2, फिर सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर देना, उसके बाद ओ, और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको भी क्लोज कर दोगे, सिंपल। हम इस टैग को ऐसे यूज कर सकते हैं। नो द फैक्ट द एचटीएमएल टैग इज द आउटर मोस्ट टैग इन एचटीएमएल एंड आल्सो नोन एज द रूट एलिमेंट। जो एचटीएमएल टैग है ये आउटर मोस्ट टैग है एचटीएमएल का, आपने देखा है कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम शुरू कर रहे हैं एचटीएमएल से और एंड भी कर रहे हैं एचटीएमएल से, तो ये क्या एक रूट एलिमेंट है। रूट का मतलब जैसे होता है ना प्लांट की रूट जड़, उसी के बिना उसके वो जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट रूट, तो वैसे ही जो एचटीएमएल है वो एक है रूट है, इसके बिना तो आपका जो वेब पेज है वो बन नहीं सकता। तो अब हम पढ़ते हैं द सब टैग, सब ये था सब, ये है सब, तो सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट हुआ ये, ठीक है, विच अपीयर्स अबव द बेस लाइन। अब आपको एक्स स्क्वायर, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हो ना ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 to the power 2, ठीक है, तो आप ऐसे करके सम्स करते हो मैथ्स में, तो आप इसको क्या यूज, क्या बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं स्टूडेंट। जब आप ऐसे में किसी टेक्स्ट को लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, वही सेम आपने यहाँ पे पैराग्राफ में अगर कहीं पे आया है ये वर्ड, सॉरी ये जो सुपर स्क्रिप्ट है, अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर, तो सिंपल एक्स फिर सुपर स्क्रिप्ट डाल दिया, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे वैसे, पर यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपने 2 लिख दिया, उसके बाद इसको बंद कर दिया और पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने ये टैग पढ़े, अब हम पढ़ते हैं सेंटर टैग। जो भी आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखे, ऐसे ना कि ये जो इतनी बड़ी बुक है इसमें कोई इधर दिख रहा है कोई उधर दिख रहा है, नहीं, आपको उसको सेंटर में दिखाना है उस टेक्स्ट को। तो कैसे यूज करेंगे,
The center text is used to align the text to the center of the page or any table cell to center the text. आप अगर किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाते हो, सेंटर में दिखाना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये सेंटर डालोगे, ओपनिंग टैग हो गया, ठीक है, बिफोर द टेक्स्ट एंड टाइप सेंटर, और आपने क्लोजिंग टैग भी करना है, उस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद उसको बंद भी कर देना है, यानी कि जो टेक्स्ट है आपको उससे पहले सेंटर लगा दिया, यानी कि सेंटर में देखे, फिर उसके बाद जब पूरा टाइप कर दिया उसके बाद सेंटर टैग को क्लोज भी करना है. फॉन्ट टैग का मतलब क्या हुआ, हेल्प्स इन ब्यूटीफाइंग द टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को बहुत अच्छा दिखाएगा, डिस्प्लेइंग इट इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, बहुत अच्छे मैनर में दिखाएगा, बीइंग अ कंटेनर टैग, इट इज क्लोज्ड आफ्टर इट्स यूजेस, इट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स हेल्प इन सेटिंग द टाइप साइज एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट, लेट अस डिस्कस दिस एट्रीब्यूट्स इन डिटेल. जो फॉन्ट है स्टूडेंट, वो आपके कैसा यूज किया जाएगा, टाइप साइज और कलर में, जो टेक्स्ट में चाहिए होगा ना, इसके अकॉर्डिंग वो एट्रीब्यूट हमें पढ़ते हैं. इसके अंदर भी एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं. अगर आपको ठीक है फेस दिखाना है किसी भी फॉन्ट का, कैसे करोगे, दिस एट्रीब्यूट चेंजेस और सेट द टाइप फेस ऑफ द फॉन्ट यूज फॉर द टेक्स्ट, ठीक है, आपका टेक्स्ट कैसे दिखे, उसका फेस सकल कैसे दिखे, सकल. साइज, इट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट के साइज को चेंज कैसे करोगे, 6 रखना चाहोगे, 12 रखना चाहोगे, 20 रखना चाहोगे, क्या रखना चाहोगे, वो आप पे डिपेंड करता है. सिंटैक्स कैसे बनाओगे इसका, आपने टैग के अंदर फॉन्ट साइज लिखना है, फिर उसके बाद इक्वल्स टू उसकी वैल्यू डाल देनी है और इसको क्लोज कर देना है. ऐसा ना कि आप क्लोज करना भूल गए, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. यू कैन स्पेसिफाई फॉन्ट साइज फ्रॉम 1 to 7, आप फॉन्ट साइज 1 to 7 के बीच में रख सकते हो. द स्मॉलेस्ट फॉन्ट, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 7 है. कलर, दिस एट्रीब्यूट चेंजेस द कलर, ये जो कलर एट्रीब्यूट है ये चेंज करता है कलर को, किसका कलर, टेक्स्ट का कलर. द कलर कैन बी सेट बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द कलर, और कलर को कैसे सेट करोगे, लिखना पड़ेगा वहां पे, रेड चाहिए, येलो चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, और गिविंग इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग द हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी पड़ेगी या नाम देना पड़ेगा, जैसी आपकी मर्जी. सिंटैक्स, अब आप जब भी फॉन्ट कलर डालोगे, एक तो फॉन्ट साइज में वैल्यू डालोगे, वैल्यू यानी कि 1 to 7, यानी कि आप डाल दी बाय द वे 5, और यहाँ पे फॉन्ट कलर कैसे डालोगे, वैल्यू यानी कि रेड, ठीक है, और हेक्साडेसिमल वैल्यू, जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था कि उसमें भी हेक्साडेसिमल वैल्यू में दिया गया था, तो आप वैसे भी डाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है, आपने इसको कैसे बनाना है, हम इसको देखते हैं, किसमें, नोटपैड में जो हमने बना रखा है, हम इसको कैसे बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी, जो भी हमने ये यूज किया हुआ HTML लैंग्वेज को यूज करके जो डॉक्यूमेंट बना रखा है, ठीक है, टाइटल डाला, चेंजिंग फॉन्ट कलर, फिर उसके बाद टाइटल हमारा क्या हो गया, हम फॉन्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं, इसका हमारा वेब पेज बनेगा, ये इसका हेडिंग होगा ये, फिर उसके बाद टाइटल क्लोज कर दिया, फिर हेड, बॉडी, सेंटर, ठीक है, हेड को बंद कर दिया, हेडिंग हमारी हो तो गई पूरी, कंप्लीट हो गई, इसको क्लोज कर दिया. अब बॉडी, और बॉडी कैसे दिख करना है, ये बॉडी को मतलब टेक्स्ट, ठीक है, वो सेंटर में दिखे, उसका फॉन्ट साइज हमने 4 ले लिया और कलर हमने रेड ले लिया, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज 1 to 7 के बीच में 6 डालो, 2 डालो, आपकी मर्जी, और कलर कोई सा भी डाल दो, मैंने अपने अकॉर्डिंग रेड डाला है. अब मैंने ये टेक्स्ट टाइप करके यहाँ पे शो कराया, योर लाइफ विल बी नो, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मो, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई. No better than the plans you make and the actions you take. You are the architect and builder of your own life, fortune and destiny. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज, लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन चेंज होगी और उसके बाद ये लाइन जो शुरू होगी दूसरी शुरू हो जाएगी. यहाँ पे फॉन्ट फेस, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फॉन्ट का फेस कैसा दिखेगा, उसको हमने हेक्साडेसिमल में दे दी उसकी वैल्यू, और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट यूज किया वो ऐसे किया, ठीक है, और ये फॉन्ट बंद क्लोज कर दिया, सेंटर क्लोज कर दिया, बॉडी HTML क्लोज कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है. और ये कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स, ऐसे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों के लिए रेड कलर सेलेक्ट किया था. अब मैंने दूसरा भी बना रखा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर का टेक्स्ट है उसको क्या दिखाना चाहते हो, रेड, और नीचे वाले को ब्लू, ठीक है, तो ऐसे आप इसमें साइज 4, 5 कुछ भी रख दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो. यहाँ पे हो गया ना BR का मतलब वो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, हम तभी तो BR टैग को यूज करते हैं. हमने फॉन्ट साइज 4 रख दिया, कलर मैंने पर्पल रख दिया, और ये जो सक्सेस इज अ लैडर यू कैन नॉट क्लाइम विद योर हैंड्स इन द पॉकेट्स, ये मैंने किसमें, पर्पल में शो होगा ये, ठीक है. इससे पहले वाले मैंने दोनों के लिए ही कलर फिक्स कर दिया था, और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज 4, कलर पर्पल, यानी कि इसको मैं 4 भी कर सकती हूँ और इसको 5 भी कर दो, आपके अपनी अपनी मर्जी आपकी, ठीक है. और आपका जो वेब पेज होगा डिस्प्ले ऐसे होगा, ठीक है. फॉन्ट को आपने क्लोज कर दिया, सेंटर को भी क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML को भी क्लोज कर दिया, और ये कैसा दिखेगा जब मैंने इसको सेव कर दिया, तो सेव किसमें करना है, .html में, और आपको ब्राउजर में ऐसे दिखेगा, ये रेड में और ये ब्लू में, और ये क्या हो गया, चेंजिंग फॉन्ट कलर टाइटल हो गया. तो है ना स्टूडेंट्स, इजी, आप ऐसे करके ये जो वेब पेज है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. तो HTML
जो भी ये लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आपने आज ये जो चैप्टर पढ़ा, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हम कैसे जो भी प्रोग्राम है जो भी वेब पेज है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको टैग ध्यान रखने, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, उसमें आपको जब सेंटर पे लाना है टेक्स्ट, आपको कलर चेंज करवाना है, आपको सेव करना है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत इजी है ये समझना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे वीडियोस ऐसे ही देखा कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी कीजिए ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज देखते रह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।